हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। आज ना मैंने वीडियो की नई शुरुआत करी है। क्यों? क्योंकि आज शुरुआत हुई है मम्मी और डैडी से, तो आप इन लोगों को देख भी रहे होगे। तो यहां पे ना मैं बैठी हूं पीछे, और मैंने आज प्लान बनाया था शादी में जाने का, और हम शादी में जा रहे थे मम्मी के मायके में, चाचा की बेटी की शादी थी तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना हम तैयार होके पहुँच गए थे मेगा मार्ट, और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि इतना रेडी होके तो मैं बहुत रेयर आती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ना मेरे को बार बार ऐसे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, और गाइज तैयार होके कितना अजीब सा लग रहा है। और हाँ यार, सच में थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था वीडियो मतलब ऐसे करके लेना, और यहाँ पर ना शायद अलाउड भी नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। मैंने बहुत ब्लॉग बनाया है वैसे तो। तो यहाँ हम पहुँच गए थे शादी में, और जैसे हम पहुँचे थे ना वैसे ही मामा वगैरह भी आ गए थे। वो पीछे को खड़े थे जहाँ पे बाजा वगैरह बज रहा था, और हम वैसे ही अंदर को गए, और यहीं पे हमें मामी वगैरह सब लोग मिल गए थे, दिव्या वगैरह। तो ये है मामू की बेटी दिव्या। तो गाइज ये वाली शादी थी हाटकोटी में, तो हम हाटकोटी ही आए थे शादी में। तो उसके बाद हम डायरेक्ट निकल गए खाना खाने के लिए, मतलब स्नैक वगैरह लिए। खाना वगैरह तो नहीं खाया था, मतलब स्नैक वगैरह लिए यहाँ पे हमने। और पहले हमने पकोड़ा और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह थी यहाँ पे, वो खाया। उसके बाद हमने टिक्की ली, और लोग यहाँ पे ना ऊपर वाले फ्लोर में कुछ ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। तो यहाँ पे है मम्मी, और मम्मी तो बिल्कुल खड़े हो गए थे पोज लेके कि ले वीडियो ले ले, फ़ोटो ले ले। तो यहाँ पे ये मासी है, ये ना विधानसभा में होते हैं। तो हमने ऊपर कुछ लोग ही थे, और वैसे ही ये लोग आ गए। इन लोगों को वैसे कई सारों नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं वो बोलते हैं बजंतरी। तो ये लोग आ गए हैं यहाँ पे बैंड बाजे वाले, और बस मामा वगैरह डांस कर रहे थे। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की ना, मामा वगैरह ने ज़्यादा डांस किया ही नहीं यार, बहुत कम डांस किया मैंने पहले वो देखे। पहली शादी में ऐसा देखा कि मामा वगैरह ने कुछ डांस नहीं किया। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है ना, सॉन्ग वगैरह डाल के ना कॉपीराइट का सीन आ जाता है, इसलिए मैंने सॉन्ग वगैरह नहीं डाले, इसमें ढोलक की आवाज़ ही डाल दी है। तो कुछ कुछ जगह मैंने रहने दी है, लेकिन मैक्सिमम मैंने हटा दिया है। तो आप लोग वीडियो को ऐसे ही इंजॉय करो यार। तो गाइज़ यहाँ पे ना ये आंटी वगैरह थे, ये मम्मी के गांव के थे मायके वाली साइड के। तो यहाँ पे ना सूट वगैरह बांट रहे, तो एक सूट तो मम्मी को भी मिल गया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे तो उनको भी सूट वगैरह दे रहे थे। और जैसे आपको पता है यहाँ का ना रिवाज ही है, जैसे अपनी जाइयाँ होती है उनको सूट वगैरह दिया जाता है।
तो गाइज अब ना हम शादी से वापस आ गए और ये शादी थी मामा वाले दिन की ना, और नेक्स्ट दिन भी है लेकिन हम उस टाइम जा नहीं पाएंगे, मतलब मैं गई नहीं हूँ, ये मैं एडिट करते वक्त ही बोल रही हूँ आपको। तो गाइज शादी में तो आज जाना नहीं है लेकिन आज मैं कर रही हूँ सफाई। तो ये सफाई हो रही है शिवरात्रि की, हमारे यहाँ ना शिवरात्रि की सफाई होती है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी होगा वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारा कर रही साफ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गई है और वो साफ करनी है अब। तो गाइज ये है ईस्ट, और यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी लिया है, काफी गर्म पानी लिया है क्योंकि दिन के 1 बज चुके हैं ना, और शाम के 5-6 बजे तक तो ये फूल भी जाना चाहिए आटा। तो देखते हैं कैसे फूलता है कि नहीं फूलता है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैसा बनाएंगे, इस आटे को गूंदेंगे सबसे पहले, यही करना। और इतना सा हम इसमें इस डाल देंगे, तो मैंने बहुत डाल रही हूँ, डालना ही पड़ेगा ताकि ये फूल जाए आटा। इसके पास सिर्फ 6-7 घंटे ही हैं फूलने के लिए। तो गैस आटे को ना अभी ऐसे रख लेते हैं और देखेंगे थोड़ी देर में कि कितना फूलता है, और तब तक ना हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे ना मम्मी ने माश वगैरह धो दिए थे और मैं बना रही थी मैगी, क्योंकि लंच में क्या खाना था समझ नहीं आ रहा था, लेट हो गई थी काम करते करते। तो और यहाँ पे ना मम्मी माश वगैरह अब ग्राइंड भी कर रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, अभी अराउंड 4 बज चुके हैं। और यहाँ पे ना लंच टाइम तो हमने मैगी बनाई थी बिकॉज मैं लेट ही फ्री हुई थी। तो गाइज यहाँ पे है मेरा आटा ना, मतलब मेरा नहीं, आटे का आटा फूल गया है, पहले देख सकते हो कैसा था और अब कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने ईस्ट ज़्यादा डाला है, वो खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मम्मी घो रहे हैं बड़े, मतलब माश घो रहे हैं, जिसका बड़े बनेगा टेस्टी टेस्टी। उससे पहले थोड़ी बहुत पूजा। तो गाइज यहाँ पे ना ये आटा है, इस आटे को मैंने ऐसे घुमा दिया, मैंने 5 बार घुमाया, वैसे ना इसको 1 ही बार घुमाते हैं और फिर सामने लगा देना, ये होता है अपने कुल देवता वगैरह का नाम लेके इसको घुमाया जाता है और फिर इसको लगा देते हैं यहाँ पे। देखो गाइज मैं इसको सिखा रही हूँ, जोर से बोलो। हमारे यहाँ बनाते हैं ऐसे पोंछ वाले फूल, और मेरा देखो मेरा आगे ऊपर है, मम्मी से ऊपर मेरा, ये भी इतना बुरा नहीं, मेरा अच्छा है। अभी तो आज क्या बोलते हैं, आज बोलते हैं खानी पीनी, कल होगा मेन शिवरात्रि, मतलब व्रत से पहले ना खा पीते हैं प्रॉपर कि कल भूख ही ना लगे, यही मतलब हो सकता है इसका, यही मतलब होता है। हाँ। कल का अलग ब्लॉग होगा और इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म कर देंगे अभी 2 मिनट बाद, मतलब जब खाएंगे। तो गाइज ये पड़ रहे हैं बड़े, कल के लिए माश भी हो रहे हैं, और पानी गरम किया और
ये धुले धुले मास नहीं है, ये कौन से मास है, डले मास को मंगतराम बोलते हैं इसको ना, ऐसे करके डाला और यहाँ पे ना गर्म हो रहा है। अभी मम्मी दांत निकालेगी भाई करो तो देखो ऐसे होता है, फिर ये अच्छे से भीगते हो ना फूलते हैं, मतलब अच्छे से बोलते हैं। तो गाइज अब करती हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म, अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा शिवरात्रि का ब्लॉग। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।